स्वामी विवेकानंद एक भारतीय धर्मगुरु थे जो वेदांत विद्या और योग की उन्नति के लिए जाने जाते थे। वह भारत के एक प्रमुख संत और दार्शनिक थे जिन्होंने अपने जीवन के दौरान धर्म ज्ञान भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता पर विस्तृत चर्चा की थी। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है, यहीं बड़े बड़े महात्माओं और ऋषियों का जन्म हुआ था। दोस्तों, आज की प्रस्तुति में स्वामी विवेकानंद की जीवन की कहानी को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे वह एक महान आध्यात्मिक गुरु बने और अपने उपदेशों को दुनिया भर में साझा किया। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था जो हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था जो एक धार्मिक और आध्यात्मिक महिला थी। नरेंद्रनाथ बहुत ही उत्साही बच्चे थे और वे अपने दोस्तों के साथ खेलने में बहुत रुचि रखते थे। वह अक्सर अपने बचपन में दोस्तों के साथ जंगल में राज दरबार का खेल खेला करते थे। नरेंद्रनाथ को राजा की भूमिका निभाना बहुत पसंद था, लेकिन जब भी वो किसी सन्यासी को देखते थे वह उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते थे। इसलिए नरेंद्रनाथ उन सन्यासी को कुछ भी दिए बिना खाली हाथ वापस नहीं जाने देते थे। उनकी उदारता देख उनकी मां ने उनसे पूछा, तुम सन्यासियों को सब कुछ क्यों दे देते हो? नरेंद्रनाथ ने कहा, क्योंकि वह बहुत पुण्य का काम करते हैं फिर भी उनके पास कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार नरेंद्रनाथ सन्यासियों से प्रभावित होकर खुद भी ध्यान करने लगते हैं। एक दिन जब वह अपने साथियों के साथ जंगल में खेल रहे थे तभी उनके पीछे एक सांप आ जाता है जिसे देखकर सभी साथी भाग खड़े होते हैं, परंतु नरेंद्रनाथ वही ध्यान लगाए बैठे रहते हैं जिससे वह सांप बिना कुछ किए वापस चला जाता है। यह देख बाकी साथी उनसे बोलते हैं, तुम सच्चे सन्यासी बन गए हो नरेंद्र। एक दिन उनके गांव में प्रवचन हो रहा था जिसमें स्वामी जी बता रहे थे कि भगवान सब जगह है। वहां बैठे नरेंद्रनाथ सोचने लगते हैं कि क्या मैं भगवान को देख सकता हूं या नहीं। इस तरह उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है और वो कॉलेज के प्रोफेसर से जाकर पूछते हैं, सर क्या आपने भगवान को देखा है? प्रोफेसर बोलते हैं, नरेंद्र तुम्हारी नजर एक योगी की है, क्या तुमने देखा है? नरेंद्रनाथ बोलते हैं, सर यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, और वो वहां से चले जाते हैं। भगवान के प्रति बढ़ती जिज्ञासा के कारण वो अनेकों महापुरुषों और पंडितों से मिलते हैं परंतु उनके प्रश्नों का सही उत्तर कोई भी नहीं देता। एक दिन प्रवचन में उनकी मुलाकात सुरेंद्रनाथ बनर्जी से होती है। वो नरेंद्रनाथ को बताते हैं कि उनके प्रश्नों का उत्तर दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस स्वामी दे सकते हैं। नरेंद्रनाथ उनसे पूछते हैं, क्या सचमुच उन्होंने भगवान को देखा है? सुरेंद्रनाथ बोलते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, वह कल मेरे घर पर प्रवचन देने आने वाले हैं। अगले दिन नरेंद्रनाथ सुरेंद्रनाथ के घर जाते हैं और रामकृष्ण परमहंस की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उनकी बातों से वह बहुत प्रभावित होते हैं और उनसे मिलने के लिए दक्षिणेश्वर जाने की सोचते हैं। जब नरेंद्रनाथ रामकृष्ण परमहंस से मिलने दक्षिणेश्वर जाते हैं तब उनको देखकर रामकृष्ण बोलते हैं, आखिरकार तुम आ ही गए, इतनी प्रतीक्षा क्यों करवाया? नरेंद्रनाथ सोचने लगते हैं, ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पहले से ही मेरे बारे में सब कुछ जानते हूँ। रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं, मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, तुम एक योगी हो और लोगों की भलाई करने आए हो। नरेंद्रनाथ फिर सोचने लगते हैं, ये स्वामी जी मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मैं तो विश्वनाथ दत्त का पुत्र नरेंद्रनाथ दत्त हूँ। बाद में नरेंद्रनाथ उनसे वह सवाल पूछते हैं जो उन्हें दिन रात परेशान करता था। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है?
रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ मैंने भगवान को देखा है और तुम भी जब चाहे तब देख सकते हो। नरेंद्रनाथ को रामकृष्ण परमहंस की बातों पर विश्वास नहीं होता और वह वापस चले आते हैं। बाद में जब नरेंद्र सुरेंद्रनाथ से मिलते हैं तब सुरेंद्रनाथ उनके प्रश्नों के बारे में पूछते हैं। नरेंद्रनाथ बताते हैं कि मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, मैं फिर दोबारा उनसे मिलने जाऊंगा तब बताऊंगा। एक दिन उनके पिता विश्वनाथ दत्त ने सोचा कि नरेंद्रनाथ रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद और भी ज्यादा बेचैन हो गया है। तत्पश्चात वह अपने बेटे से बोलते हैं, नरेंद्र मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की को देखा है, अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थ संभालो। तब नरेंद्रनाथ अपने पिता से कहते हैं, पिताश्री विवाह मेरे लिए नहीं बना है, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। कुछ दिनों बाद नरेंद्रनाथ के माता पिता आपस में सलाह करते हैं कि हमारी घर की माली हालत ठीक नहीं है, इसलिए नरेंद्रनाथ को कोई काम करना चाहिए जिससे हमारी मदद हो सके। नरेंद्रनाथ के पिता बोलते हैं, धीरज धरो प्रिय, वह कुछ महान काम करने वाला है। परंतु दुर्भाग्यवश विश्वनाथ दत्त अधिक समय तक जीवित नहीं रहते और उनकी मृत्यु हो जाती है। नरेंद्रनाथ सोचने लगते हैं, अब हमारे पिता नहीं रहे, इसलिए मुझे कोई काम करके परिवार की सहायता करनी चाहिए। नरेंद्रनाथ काम की तलाश में कई दिन तक भटकते हैं, परंतु फिर भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता, इसलिए अंत में वह रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए सोचते हैं। जब नरेंद्रनाथ रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं तब रामकृष्ण पूछते हैं, नरेंद्र तुम इतने उदास क्यों हो, तुम बीमार हो क्या? नरेंद्रनाथ रामकृष्ण परमहंस से पूछते हैं, अच्छा एक बात बताइए, क्या आपकी माता काली आपको वह सब कुछ देती हैं जो आप मांगते हैं? रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं, हाँ सब कुछ, अगर तुम भी कुछ चाहते हो तो जाओ और माता काली से मांग लो। नरेंद्रनाथ माता काली से अपने परिवार के लिए धन मांगने की सोचते हैं, परंतु जब वो माता काली से प्रार्थना करते हैं तब धन के जगह आध्यात्मिक ज्ञान मांग लेते हैं। नरेंद्रनाथ जब रामकृष्ण परमहंस के पास वापस आते हैं तब रामकृष्ण परमहंस नरेंद्रनाथ से पूछते हैं, तुमने माता काली से कितना धन मांगा? नरेंद्रनाथ निराश होकर बोलते हैं, मैं माता काली से धन नहीं मांग पाया। रामकृष्ण परमहंस उनको दोबारा माता काली के मंदिर में भेजते हैं, परंतु इस बार वह अपने लिए माता काली की भक्ति मांग लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस नरेंद्रनाथ को तीसरी बार भी माता काली के मंदिर में भेजते हैं, परंतु इस बार भी वह धन नहीं मांग पाते और अपने लिए संन्यास जीवन मांग लेते हैं। तब नरेंद्रनाथ रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं, स्वामी जी मैं अपने परिवार के लिए धन नहीं मांग पाया, आप तो जानते ही हैं मैं क्या चाहता हूँ। रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो, तुम मेरी आंखों में देखो क्या दिख रहा है। रामकृष्ण परमहंस जैसे ही अपना पैर नरेंद्रनाथ से सटाते हैं, नरेंद्रनाथ को पूरा ब्रह्मांड नजर आने लगता है, जिसमें पूरी दुनिया एक प्रकाश बिंदु से विस्फोट होकर बनी थी। वहां प्रकाश के अलावा और कुछ भी नहीं था जो उनकी चेतना को बहुत गहराई तक रोशन कर रहा था। कुछ देर बाद एक बाबा रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं, नरेंद्रनाथ आज अचंभित लग रहा है। तब रामकृष्ण परमहंस बताते हैं कि हाँ आज मैंने उसे पूरी सृष्टि दिखाई है। इसके तुरंत बाद नरेंद्र को एक छोटे से स्कूल में प्रधानाध्यापक के रूप में अस्थायी नौकरी मिल जाती है।